स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ की, जो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑब्वियसली, बट इसका नाम ये है लॉ ऑफ मोमेंटम। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इसके पहले वाले अगर आपने दो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप देख लो या बुक में से पढ़ के आ जाओ। हमने इससे पहले बातें की है अनबैलेंस्ड फोर्सेज, एक्सटर्नल फोर्सेज, फोर्सेज क्या होते हैं, फोर्सेस क्या करते हैं। फिर हमने फर्स्ट लॉ में देखा था इनर्शिया क्या होता है, और किसी का मास ज्यादा है मतलब उसका इनर्शिया ज्यादा है। इनर्शिया क्या है? रेजिस्टेंस टू चेंज। ओके, फर्स्ट लॉ में हमने देखा था कि कोई बॉडी जो कर रही है उसको वही करते रहना है। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आपको लगाना पड़ेगा फोर्स। ओके, तो यही चीज से हम आगे बढ़ते हुए, इसको कंटिन्यू करते हुए हम लोग लॉ ऑफ मोमेंटम देखने वाले हैं। बट अपने को पहले ये समझना है कि मोमेंटम ये वर्ड का मतलब क्या है। सिर्फ मैथमेटिकली नहीं, आपको फील करना है कि मोमेंटम क्या है। तो चलो कोशिश करते हैं, शुरू करते हैं मोमेंटम समझने की। ओके, तो ध्यान से पहले एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज एक फेदर है, फेदर पिजन का वगैरह फेदर गिरा होता है, वो फेदर को आपने बहुत जोर से किसी को मारा, उसको लगेगी क्या? बोलेंगे नहीं लगेगी। फेदर कितने भी जोर से मारो तो क्या ही लगेगी, है ना? तो आप बोलते हो कि नहीं नहीं फेदर नहीं लगेगी, बिकॉज उसका तो मास ही नहीं ना, ऐसा हल्का है ना? तो आप बोल रहे हो फॉर अ फेदर, फेदर का मास बहुत ही कम है, आपने वेलोसिटी बढ़ाई है, ठीक है, बट मास इतना कम है कि काम ही नहीं होगा, कुछ फील ही नहीं होगा मुझे, है ना? मतलब मुझे अगर ये दीवार तोड़नी है तो मैं फेदर से तो नहीं मारूंगा। ओके, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ चलो फेदर से नहीं लग रही ना, तो एक काम करते हैं, एक ट्रक से मारते हैं, ट्रक से मारते हैं। तो ट्रक का बोलेंगे यार मास तो बहुत है, वेरी नाइस। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ट्रक चली नहीं रही। तो बोलेंगे अरे मास है ठीक है, पर चलाओ तो सही, नहीं तो लगेगी कैसे? दीवार तोड़नी है तो ट्रक चलानी तो पड़ेगी। सो इसकी वेलोसिटी अगर बहुत ही कम है तो आप बोलेंगे यार ये फायदा नहीं हुआ। सो सी, यू आर थिंकिंग दैट मास होना चाहिए ज्यादा तब कुछ होगा, और आप सोच रहे हो वेलोसिटी भी होनी चाहिए, मतलब ट्रक को थोड़ा तो चला दो, है ना? सो योर पॉइंट हियर इज दैट मास और वेलोसिटी मिलके एक यूजफुल क्वांटिटी बन रही है, राइट? देखो आपने एक चीज देखी होगी, ट्रक्स के पीछे स्पीड लिमिट लिखी होती है, क्यों? क्योंकि ट्रक्स का मास बहुत ज्यादा है तो आप बोलते हो कि उसकी स्पीड कम रखो, क्यों? बिकॉज डेंजर कम होगा, एक्सीडेंट्स कम होंगे, कंट्रोल में रहेगी गाड़ी, राइट? तो ये जो मास और वेलोसिटी को लेकर जो एक कंसेप्ट बनता है कि अरे मास भी है वेलोसिटी भी है, मास ज्यादा रहेगा तो कुछ तो जबरदस्त होगा, वेलोसिटी ज्यादा रहेगी तो कुछ तो जबरदस्त होगा, मतलब मास और वेलोसिटी दोनों मिलके एक क्वांटिटी बना रहे हैं और वो क्वांटिटी को हमने नाम दिया है मोमेंटम, मास और वेलोसिटी। सो समझते हैं कि ये क्या है। ओके, सो मोमेंटम, लेट्स राइट डाउन, मोमेंटम इज इक्वल टू, सो मोमेंटम को हम लेटर पी देते हैं, स्मॉल पी लिखना, कैपिटल पी नहीं लिखना। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो आप इसको एम वी लिख सकते हो, मल्टीप्लीकेशन लिखने की जरूरत है ना, जैसे आप लिखते हो ना 2ab, है ना 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 2ab में ab क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। सो हम अगर कुछ नहीं लिखे हैं तो समझ लेना मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। सो ये हो गया मास इनटू वेलोसिटी, इसको याद रख लेंगे, इसको बिल्कुल अच्छे से याद रख लेंगे। ओके, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि यूनिट क्या है। ओके, यूनिट हमेशा समझ में आने चाहिए आपको। तो मास का यूनिट बताओ क्या है, मास का ऐसा यूनिट, क्या यूनिट यूज करना चाहिए? केजी। वेलोसिटी का क्या यूनिट यूज करना चाहिए? मीटर पर सेकेंड, यह हमने पिछले वीडियो में देखा है, पिछले चैप्टर में। सो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, तो इसका यूनिट क्या हो गया, मोमेंटम का यूनिट क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? सो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी। क्यों?
बिकॉज मास ज्यादा रहता है तो कुछ तो आपको फीलिंग आता है ना कि कुछ तो होगा, वेलोसिटी ज्यादा रहता है तो आपको लगता है कि कुछ होगा। सपोज मास कम है तो आप बोलेंगे नहीं, सपोज वेलोसिटी कम है बोलेंगे नहीं होगा, है ना, कुछ तो जोर चाहिए कुछ तो करने के लिए। सो मास और वेलोसिटी दोनों ऐसे साथ में आप लिख लेते हैं, मास इनटू वेलोसिटी एंड यू गेट दिस क्वांटिटी कॉल्ड मोमेंटम, स्मॉल पी। क्लियर है? अच्छा, अब ये जो मोमेंटम है, इस मोमेंटम का चेंज, तो एक काम करते हैं हम लोग, एक चीज लिख लेते हैं यहां पे। सपोज एक बॉडी इनिशियली चल रही है, बॉडी तो इनिशियल वेलोसिटी हमने देखा है ना पिछले चैप्टर में, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है और फाइनल वेलोसिटी उसकी v है, पर उसका मास m ही है, है ना। एक बॉडी है जैसे कि फुटबॉल है, फुटबॉल का मास फिक्स्ड है, पहले उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, फिर आपने किक किया उसको और उसकी और वेलोसिटी होगी, या फिर आपने उसको रोक दिया, वट एवर इट इज, उसकी वेलोसिटी या तो ज्यादा हो गई या कम हो गई, बराबर है, स्पीड ज्यादा हो गई या कम हो गई, कुछ तो हुआ चेंज, इनिशियली यू था फाइनली वी हो गया, सम चेंज हैज हैपेंड। अब ये देखो मैं क्या बात करने वाला हूं, आई विल नाउ टॉक अबाउट इनिशियल मोमेंटम, पी आई या पी इनिशियल, बताओ इनिशियल मोमेंटम, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, एम वी, तो इनिशियली m तो m ही है बट इनिशियली वेलोसिटी क्या है, u, बराबर। सिमिलरली फाइनल, ओके, तो फाइनली मोमेंटम क्या है, तो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, तो मास m ही है बट वेलोसिटी क्या होगी, v, बराबर है। ये बिल्कुल अच्छे से लिख लो, नोट्स अच्छे से बनाओ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और इसके बाद में एक फॉर्मूला बनेगा इंपॉर्टेंट, एवरी स्टेप यू शुड नोट, ओके। इस पे हर एक छोटे छोटे चीज पे क्वेश्चंस आएंगे, क्या है देखो फिर से, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी वी। अगर ऐसा हुआ है ना, जैसे टेबल रुका है, अभी टेबल को चला दिया मैंने, फेंक दिया टेबल को, सो वेलोसिटी चेंज हुई, यू का वी हो गया, सो मोमेंटम भी तो चेंज हुआ ना। अगर वेलोसिटी चेंज हुई तो मोमेंटम भी चेंज होगा क्योंकि इसमें है ना वेलोसिटी। अब वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे बताओ कि वेलोसिटी चेंज कौन करता है, बताओ जल्दी से बताओ, वेलोसिटी चेंज कौन करता है, अगर रुकी हुई चीज है तो चलाता कौन है, रुकी हुई चीज है तो चलाता कौन है, तो आप बोलेंगे फोर्स चलाता है, फोर्स चेंजेस वेलोसिटी, यस और नो, बट आप थोड़ा इनकम्प्लीट बता रहे हो, ये फोर्स कैसा होना चाहिए, अनबैलेंस्ड, और एक्सटर्नल भी होना चाहिए, तो अनबैलेंस्ड फोर्स चेंजेस वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी चेंज फोर्स ने किया है, अनबैलेंस्ड फोर्स ने, तो मोमेंटम किसने चेंज किया, तो आप बोलेंगे एक मिनट, मोमेंटम चेंज में तो मास तो सेम है, वेलोसिटी चेंज हुई है, तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी फोर्स की वजह से चेंज हुई है तो मोमेंटम भी तो फोर्स की वजह से चेंज हुआ है, सो देयरफॉर फोर्स आल्सो चेंजेस मोमेंटम। ये बात समझ में आ रही है क्या, फिर से एक बार देखो, एक ट्रक जा रही है बहुत स्पीड में जा रही है, उसका ये मोमेंटम है, अब क्या हुआ, वो एक डिवाइडर से टकरा गई, डिवाइडर से टकरा गई तो उसका स्पीड कम हो गया या जीरो हो गया, रुक गया, तो मुझे बताओ स्पीड चेंज हुई कि नहीं, चल रहा था रुक गया, किसने किया, तो आप बोलेंगे डिवाइडर ने फोर्स लगाया उसको। तो अगर उसका फोर्स लगने से वेलोसिटी चेंज हो गई तो मोमेंटम में भी तो वेलोसिटी है ना, वो भी तो चेंज हो गई। तो पहले ट्रक जा रही थी बहुत जोर से, आप बोलेंगे भाई साहब बहुत डेंजरस है, इतना मास इतना वेलोसिटी बहुत सारा मोमेंटम, अब वो रुक गया, अब आप खड़े खड़े देख रहे हो आपको कोई डेंजर नहीं है, क्यों नहीं डेंजर है, बिकॉज अभी उसका मोमेंटम है ही नहीं, रुक गया ना वो, क्लियर है। सो वेलोसिटी चेंज हुई, मोमेंटम चेंज हुआ, दोनों एक्चुअली किसकी वजह से हुए, बताओ किसकी वजह से हुए, अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से हुए ना, फोर्स बाहर से जो लग रहा है,
बैलेंस फोर्स से कुछ होता है क्या? वेरी इंपॉर्टेंट, अनबैलेंस्ड. बैलेंस्ड फोर्स कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैंने आपको बताया फर्स्ट वीडियो में भी, सेकेंड वीडियो में भी. क्लियर है? बस अगर ये आपको समझ में आ गई बात, तो जो सेकेंड लॉ है, जो लॉ ऑफ मोमेंटम है, वो फोर्स और मोमेंटम चेंज को ही रिलेट करता है. समझ में आ रही क्या बात? चलो अब लिखते हैं सेकेंड लॉ. ओके, इसको हटा दें, लिख लिया आपने, चलो. ओके, सो नाउ लेट्स राइट द लॉ. लॉ सेज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. धीरे धीरे करके देखेंगे, बट आपको कुछ चीजें फेमिलियर लग रही है क्या? सेकेंड लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो आपको क्या चेंज ऑफ मोमेंटम समझ में आ गया ना? देखो, चेंज इन मोमेंटम देखा था हमने, मोमेंटम चेंज हुआ, तो वो किसी ऑब्जेक्ट का जो रेट ऑफ, मतलब जो चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ है, रेट हम देखेंगे, रेट का मतलब टाइम से रिलेटेड है, कोई बात नहीं, देखते. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब वो उसी पे डिपेंड करता है. किस पे? अनबैलेंस फोर्स पे. डायरेक्शन की बात देख लेंगे, क्लियर है? तो चलो आगे बढ़े, एंड लेट्स नाउ राइट द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ दिस सेकेंड लॉ. क्लियर? हमने थोड़ा बहुत किया है अभी हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करेंगे. चलो शुरू किया जाए. चलो इसको हटा देते हैं, और अब हम लोग बात करते हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन. सो लिख लेंगे आप मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ. ठीक है, चलो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोमेंटम फर्स्ट. सो मोमेंटम क्या था? मास इनटू वेलोसिटी. अब हम बात करेंगे चेंज इन मोमेंटम की. तो देखो, इनिशियल मोमेंटम इज एम यू, फाइनल मोमेंटम इज एम वी. तो अब मुझे बताओ, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? डेल्टा का मतलब, इसको डेल्टा बोलेंगे, विच मीन्स चेंज. तो आप जब भी डेल्टा देखो तो आप चेंज लिख सकते हो, या फिर आप सिर्फ चेंज वर्ड लिखना चाहो तो लिख सकते हो, शॉर्टकट है. ओके, दिस मीन्स इट इज चेंज. चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल. देखो, चेंज, सपोज आपका वजन पहले 62 केजी था, अब आपका वजन 64 केजी है, तो आप चेंज बोलो कितना बोलोगे? चेंज कितना हुआ? 2 हुआ ना चेंज. कैसे? 64 माइनस 62, फाइनल माइनस इनिशियल. तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब कुछ आपको रियल लाइफ से समझता है. बस यहां पर देखते हैं तो कुछ लोग घबरा जाते हैं कि ये क्या फॉर्मूला है. सोच के, आपको एक्सपीरियंस सब है, बस आपको फॉर्मूला में दिखा रहे हैं बस. ओके, सो नाउ देखो, ये चेंज इन मोमेंटम क्या है? चेंज इन मोमेंटम इज एम वी माइनस एम यू. डू यू अग्री विद दिस? फाइनल माइनस इनिशियल. क्लियर है? क्या मैं यहां से m कॉमन ले लूं? m v माइनस एम यू. तो m कॉमन लेके v माइनस यू लिख सकता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम? तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम. इसको हम लोग रख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं. समझ में आ गई बात, चेंज इन मोमेंटम क्या है? अब देखते हैं रेट, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. नाउ रेट का मतलब होता है विद टाइम. ओके, तो टाइम के हिसाब से वो कैसे कैसे चेंज होगा वो हमको देखना है. ठीक है, तो चलो
टाइम के अनुसार जब चेंज होता है तो हम लोग उसको डिवाइड बाय टाइम करते हैं। हम लोग बोलते हैं ना किस रेट से भाग रहा है, तो हम बोलेंगे किस रेट से भाग रहा है मतलब डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चलो आगे बढ़े और लिखते हैं कि रेट ऑफ चेंज का मतलब हुआ डेल्टा पी अपॉन टाइम। ओके नाउ इसको लिखते हैं यहां पे, देखो ये डेल्टा पी यहां से लाते हैं, ये हो गया एम वी माइनस यू अपॉन टी। समझ में आ रही है क्या बात, यहां तक क्लियर है? पॉज करके लिख लो, यहां तक लिख लो सब चीज, ठीक है राइट क्यों हमने क्या कवर कर लिया, देखो हमने ये कवर कर लिया, हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कवर कर ली, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया हमारा, ये आ गया इक्वेशन नंबर दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ चुका है। ओके अब आगे की बात क्या बोल रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो ये जो चीज है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो लिख ले नेक्स्ट लिखे हाँ, सो डेल्टा पी अपॉन टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है डायरेक्ट, अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, अनबैलेंस्ड फोर्स जो फोर्स लग रहा है वो, क्लियर है? देखो फिर से, रेट ऑफ मतलब टाइम, चेंज ऑफ मतलब डेल्टा, एंड मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स जो आपने लगाया, ये न्यूटन ने सेकंड लॉ बताया। देखो फिर से, मोमेंटम कौन चेंज किया, फोर्स है ना, कितने फास्ट चेंज होगा वो मोमेंटम, कितने फास्ट गाड़ी रुकेगी, कितने फास्ट गाड़ी जोर से जाएगी, मोमेंटम चेंज कितना फास्ट होगा वो कौन करता है, फोर्स ही करता है। समझ में आ रहा है? चलो अब यहां पर हम कुछ इक्वेशंस बना लेते हैं और फिर आगे चल के और भी चीजें आएंगी। ओके नाउ देखो, ये हो गया डेल्टा पी अपॉन टी इज इक्वल टू, यहां पर क्या करना पड़ता है बताओ। ओके ऐसे इसको ऐसे लिख लेते हैं, हाँ उल्टा लिख लिया बस मैंने ना हो, अगर मैं ये इक्वल टू साइन लगाना चाहूं तो आई विल हैव टू पुट अ कॉन्स्टेंट, तो वो कॉन्स्टेंट होगा के। ओके नाउ व्हाट हैपेंस इज, जस्ट चेक, ओके ध्यान से, व्हाट हैपेंस नाउ इज दैट दिस के इज टेकन सच दैट इट इज वन, जैसे कि इसका यूनिट क्या है, के जी मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट क्या है सेकंड, और इसका यूनिट हम लोग लेते हैं, देखो क्या बनेगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है कि नहीं, देखो ये जो पर सेकंड है, केजी मीटर पर सेकंड है ना ये चीज, और एक और सेकंड है यहां पे, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया, क्लियर है? नाउ व्हाट यू डू इज यू कॉल दिस वन न्यूटन, ध्यान से, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज 1 न्यूटन। न्यूटन एक नया यूनिट बना ना अभी, न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स, वो यूनिट ऑफ फोर्स कैसे बना, आपने इसको 1 बोल दिया है ना, अब ये जब 1 हुआ तो आपने ये 1 कैसे होगा, देखो अगर ये पूरा 1 है, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये भी 1 है, तो ये क्या हुआ, देखो ध्यान से, दिस इज 1 न्यूटन एंड दिस इज 1 दिस, तो ये 1 इज इक्वल टू के इंटू 1 हो जाएगा ना, तो 1 ही होना चाहिए k, तभी तो होगा, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, सो योर k वैल्यू हैज टेकन सच दैट इट कम्स आउट टू बी 1। ओके समझ में आ रही है क्या बात, फिर से सी, दिस इज 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, ये इसको क्या बोला मैंने, 1 न्यूटन, तो अगर ये 1 है और ये भी 1 है, सो ये कैसा हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू के इंटू 1, अब बताओ k क्या हुआ, k तो 1 ही हुआ ना, तो अगर आप इन दोनों को 1 ले रहे हो, आप न्यूटन को 1 बोला है, तो ये भी तो 1 ही निकल जाएगा ना, सो योर k वैल्यू कम्स आउट टू बी, k वैल्यू कम्स आउट टू बी 1, हो गई बात, निकाल ले,
समझ में आ गई तो निकाल लूं मैं यहां पे। चलो रिमूविंग दिस पार्ट, नाउ लेट्स कंटिन्यू हियर। वेर आर यू नाउ? एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय टी, बिकॉज के वन हो गया, के इज वन। ओके, अब हम फॉर्मूला में ये चीज डालेंगे, एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, यही है ना डेल्टा पी बाय। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक चीज मिलेगी, v माइनस यू अपॉन टी, याद करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। याद करो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, कुछ लोग को फॉर्मूला पता है, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी याद करेंगे पिछले चैप्टर में एक्सेलरेशन, थर्ड या फोर्थ वीडियो है एक्सेलरेशन। तो ये क्या बन गया, f इज इक्वल टू एम ए। ओके, क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो काम आने वाला है। कौन से इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आप इसको भी इंपॉर्टेंट मान सकते हो या इसको भी मान सकते हो, कोई भी एक मान लो, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी एक इक्वेशन याद कर लो। आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मालूम है ना, ये कौन है एक्सेलरेशन। ओके, तो आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद है तो आप एफ इज इक्वल टू एम ए से काम चला सकते हो। क्लियर है? कुछ मिस हो रहा है क्या? नहीं, समझ में आ रही है बात? देखो फिर से, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। डायरेक्शन की बात होगी धीरे धीरे। अब ये तो वर्ड थे, सेंटेंस है, इंग्लिश है, इसको मैथमेटिकली लिखना जरूरी है। तो देखो इतनी बड़ी चीज को हमने एक मैथ्स के इक्वेशन में डाल दिया है ना, पूरा एक फॉर्मूला बना दिया, तो दिस इज इजी टू रिमेंबर है ना। तो ये मैथमेटिकली आपने ये सब किया, प्रोसीजर बहुत सारा किया। क्या प्रोसीजर किया? मोमेंटम देखा क्या है, फिर देखा चेंज। देखो आपने क्या क्या किया, पहले मोमेंटम देखा, फिर चेंज इन मोमेंटम देखा है ना, पहले मोमेंटम देखा मास इनटू वेलोसिटी, फिर चेंज देखा है ना फाइनल माइनस इनिशियल, फिर आपने देखा फाइनली रेट, फाइनली आपने देखा रेट ऑफ चेंज। क्लियर? जो आपने क्या किया था ये। सो फिर से एक बार, दिस इज मोमेंटम, दिस इज चेंज इन मोमेंटम एंड दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नाउ व्हेन यू गेट दैट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। हो गया, बस इसको v माइनस यू अपॉन टी को ये बोल दिया, फिनिश। क्लियर है? ये डेरिवेशन लिख लिए, हटा देते हैं। चलो पॉज करके नहीं तो लिख लो। ओके, ये डेल्टा चेंज है, एवरी स्मॉल थिंग इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है? चलो अभी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। आई विल राइट दिस एंड टेक अ फ्यू एग्जांपल्स। पहला, फील्डर कैचिंग अ बॉल, फील्डर कैचिंग अ बॉल। आपने देखा फील्डर बॉल कैसे कैच करते है? ऐसे बॉल आ रहा है, ऐसे थोड़ी खड़ा रहता है, ऐसे लेता है ना वो कैच, ऐसा लंबा कैच लेता है। क्यों करता है? देखो, इफ दिस इज ट्रू, यस, कैन आई से फॉर अ मोमेंट दैट इफ डेल्टा पी इज कॉन्स्टेंट, फॉर मोमेंट डेल्टा पी कॉन्स्टेंट है तो क्या फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम? ये टाइम है ना, ऐसा लिख सकता हूं, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। एफ को फोर्स लिख दू, यस। नाउ व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि अगर आपने ज्यादा टाइम तक कैच पकड़ा, ज्यादा टाइम मतलब बॉल आ रहा है, आपने एक माइक्रोसेकेंड या थोड़ा सा टाइम आपने एक्स्ट्रा दिया, अगर आपने थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दिया, आपने अगर टाइम डबल कर दिया, अगर आपने टाइम को डबल कर दिया तो फोर्स हाफ हो जाता है ना, ये डबल मतलब ये उल्टा, तो ये हाफ हो जाएगा। मतलब अगर आपने टाइम थोड़ा बढ़ा दिया तो आपके हाथ पे जो फोर्स लगता है, जो जोर से लगता है ना, जो वो कम हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अगर आपने टाइम बढ़ा दिया, इंपैक्ट का टाइम ऑफ इंपैक्ट लगने वाला जो टाइम था वो थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो आप पे जो फोर्स है वो कम लगता है। देखो टाइम और फोर्स उल्टे, टाइम ज्यादा फोर्स कम। लिख लूं क्या? टाइम ज्यादा फोर्स
कम। तो ये कहां पर यूज हुआ? न्यूटन का सेकंड लॉ, फील्डर कैचिंग अ बॉल, कैच बराबर करना चाहिए, ऐसे रखोगे तो लगती है बहुत जोर से, ऐसे करना होता है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, एयरबैग्स। देखो गाड़ी वाड़ी का जब एक्सीडेंट हो जाता है तो एयरबैग्स निकलते हैं। अब मुझे बताओ, जब एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का तो आदमी बहुत स्पीड में जा रहा था गाड़ी के साथ, गाड़ी एकदम से रुक गई, अब आदमी भी रुकेगा, राइट? आदमी को भी रुकना पड़ेगा, आदमी का भी मोमेंटम चेंज होना है। बट अगर आदमी धीरे 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 रुका, एयरबैग्स क्या करते हैं? धीरे धीरे रोकते हैं ना एयरबैग्स। देखो कैसे होते हैं एयरबैग्स, ऐसे होते हैं, आप जब इसको मारते हो तो ये ऐसे थोड़ा सा क्रम्बल होता है, तो आप थोड़ा टाइम लगता है ना आपको रुकने में। सपोज ये आपका कांच है या डैशबोर्ड है या स्टीयरिंग है, तो आप जब इसको मारा तो जोर से लगेगी ना, बट आपने इसको मारा तो थोड़ा एब्जॉर्ब करता है, वो थोड़ा सा टाइम देता है आपको रुकने के लिए। एयरबैग्स थोड़ा सा टाइम देते हैं आपको रुकने के लिए, तो अगर टाइम ज्यादा हो गया तो फोर्स कम होगा, और फोर्स कम होगा तो इंजुरी छोटी होगी, ज्यादा इंजुरी नहीं होगी। बट आप सोचो अगर एयरबैग्स नहीं होंगे तो क्या होगा, या अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया होगा तो, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया होगा, अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया होगा, ये सब चीजें अगर आपने नहीं की होगी तो आपको रुकने का टाइम बहुत कम हो जाता है। रुकना मतलब जैसे सपोज आपने हेलमेट पहना, हेलमेट के अंदर कुशन होता है ना, तो जब इसको लगता है तो हेलमेट आपको एक टाइम देता है सर को रुकने के लिए कुशन से, इट गिव्स यू टाइम टू स्टॉप। इफ यू डोंट हैव दैट टाइम, सडनली इफ यू स्टॉप, सडनली स्टॉप, टाइम कम हो जाएगा तो फोर्स बहुत बढ़ जाएगा, और वो फोर्स से स्कल ब्रेक हो सकता है, वो फोर्स से आपका चेस्ट रिब्स ब्रेक हो सकते हैं बेसिकली। ओके, सो इसका मतलब फोर्स, न्यूटन का सेकंड लॉ यहां अप्लाई किया। और एक एग्जांपल ले सकते हैं, बुक में दिया है, लॉन्ग जंपर, लॉन्ग जंपर, जिमनास्टिक्स, जो भी जिमनास्टिक्स में जब जंप करते हैं या लॉन्ग जंप लिप जब लेते हैं तो वो जो गिरने वाली जगह है वो सॉफ्ट रहती है ना, मिट्टी मिट्टी होती है। व्हाई? बिकॉज इट गिव्स यू टाइम टू स्टॉप, ऐसे वो कंप्रेस होता है थोड़ा फिर, है ना। सो जिमनास्टिक्स में, लॉन्ग जंप में, आप सोचो जिमनास्टिक्स में नीचे पत्थर है सीधा, सो व्हेन यू गो देयर एंड व्हेन यू स्टॉप, यू विल सडनली स्टॉप, क्योंकि वो आपको कड़क है ना, वो आपको ऐसे ऐसे, वो कड़क है, वो ऐसे थोड़ी होगा, बट जो जिमनास्टिक्स में होता है वो ऐसा होता है ना, तो इट गिव्स यू टाइम, इसलिए इंजरी नहीं होती। ओके, सो ये सारे एग्जांपल्स हैं। इससे न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी अपने को एक बार क्लियर करते आएगा। चलो देखें न्यूटन का फर्स्ट लॉ, यहां पर देखते हैं, लुक, फर्स्ट लॉ क्या है? एक ऑब्जेक्ट जो कर रहा है वो करता रहेगा। सो यहां देखो सपोज इनिशियली वो जीरो पे था, ओके, और फाइनली भी जीरो पे ही है, स्पीड जीरो ही है। अगर ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो जीरो अपॉन एनीथिंग, सब कुछ, मतलब क्या हो गया? फोर्स जीरो है। इसका मतलब ये कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और रेस्ट पे ही है, इसका मतलब उसको फोर्स नहीं लगा। बट अगर ये 10 हुआ, स्पीड चेंज हुई ना, स्पीड चेंज हुई तो आप बोलेंगे भाई किसने किया? फोर्स ने किया। अगर स्पीड चेंज नहीं हुई तो कौन जीरो था इसलिए स्पीड चेंज नहीं हुई? क्लियर है? सो इफ जीरो रिमेन जीरो, देयरफॉर चेंज, सो आप ये लिख सकते हो देयरफॉर एफ विल बी जीरो, देयरफॉर फर्स्ट लॉ इज प्रूवन। तो सेकेंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे? अगर यू जीरो है, वी जीरो है, मतलब रेस्ट, इसका मतलब जीरो माइनस जीरो, जीरो अपॉन टी, जीरो, जीरो इंटू एम, जीरो, सो बेसिकली एफ भी जीरो है। तो हम यही तो बोल रहे थे फर्स्ट लॉ में कि अगर जो चीज जो कर रही है वो ही करता रहेगी तो फोर्स जीरो है मतलब, और अगर फोर्स जीरो नहीं है तो मतलब यहां चेंज होगा। क्लियर है? सो फर्स्ट लॉ भी हमने क्लियर कर लिया। ओके, कोई और बात करनी थी इसमें? नो, अब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, शुरू करें। लेट्स टेक 2-3 क्वेश्चंस, ज्यादा नहीं करेंगे, लंबा लेक्चर हो जाएगा नहीं तो, उसमें से एक दो क्वेश्चन करते हैं, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। चलो,
हटा दें इसको, चलो इसको हटा देते हैं एंड लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बहुत ही सिंपल है। What is the moment of an object of mass m moving with velocity v? Basically momentum का formula. Momentum का formula कहाँ है, कहाँ लिखा है अपन ने या नहीं लिखा है क्या? चलो सो यहीं लिख लेते हैं, momentum मतलब mass into velocity. Options दिए उन्हें mv square या m square v, ऐसे कुछ कुछ option दिए, half mv square, नहीं, clear? Okay. Next question number 8, बहुत simple है. An automobile vehicle has a mass of 1500 kg. Automobile, एक car. 1500 kg का mass है. ठीक है, तो लिख ले. बहुत simple, इतनी जगह में हो जाएगा. Mass is equal to 1500 kg. और क्या दे रहे हैं वो लोग? What must be the force? So they are asking force क्या होगा? Between the vehicle and the road, friction basically. फ्रिक्शन भी तो फोर्स ही है। इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, इफ द व्हीकल हैज टू बी स्टॉप विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स पूछ रहे हैं, मास और एक्सेलरेशन दिया है, कैसे करते हैं? फोर्स पूछ रहे हैं और मास और एक्सेलरेशन दे रहे हैं, बताओ कैसे करेंगे? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये रहा, याद रखना था ना अपने को, याद रखेंगे इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस आ गया 1500 इंटू -1.7। ओके, तो ये आंसर क्या आने वाला है जरा चेक कर लेता हूं मैं। आंसर इज माइनस, तो माइनस तो आएगा 2550 न्यूटन। न्यूटन कहां गया? यूनिट लिखा था, यूनिट फोर्स का यूनिट न्यूटन। ओके, क्लियर है? बहुत सिंपल था। मुझे बताओ माइनस फोर्स का मतलब क्या, मुझे बताओ माइनस एक्सेलरेशन का मतलब क्या। माइनस एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी यहां और एक्सेलरेशन उल्टा, पिछले चैप्टर में हमने बात की है। ओके, नेगेटिव एक्सेलरेशन, गाड़ी यहां जा रही है और नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब पीछे, मतलब गाड़ी रुकेगी ना, फ्रिक्शन से गाड़ी रुकती है। क्लियर है? सो ये हो गया, ये भी हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लेते हैं, लेट्स सी, जल्दी हो गया तो कर लेंगे, हटा दें इस चीज को। ओके, ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 10। यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर। तो बेसिकली एक वुडन कैबिनेट है जिसको हम 200 न्यूटन लगा के मूव करना चाहते हैं। ओके, अक्रॉस अ फ्लोर एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, वी वॉन्ट टू मूव इट एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ध्यान से समझो। हाँ, ये सब पिछले वीडियो, पिछले चैप्टर से आता है। सो हमको ये करना है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ। सो दे आर सेइंग व्हाट इज अ फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड। तो ये आगे जाएगा तो फ्रिक्शन पीछे लगता है कि नहीं लगता है? फ्रिक्शन आपको मालूम है, फ्रिक्शन तो लगता ही है। सो दे आर सेइंग फ्रिक्शन कितना होना चाहिए। ओके, चल अब इसको करते हैं। सेकेंड लॉ से, ओके ना, ये देखो, क्लियर ना? मुझे बताओ वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब जैसे चल रहा है, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो नहीं हो रहा ना चेंज इन वेलोसिटी, याद करो v माइनस यू अपॉन टी इज एक्सेलरेशन, है ना? सो v एंड u चेंज ही नहीं हुआ ना, सो दिस विल बी जीरो अपॉन टी, मतलब कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। यस, क्लियर है? हाँ, तो अब देखो जब एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स क्या आ जाएगा? मास इंटू जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग, मतलब फोर्स बिकम्स, फोर्स हैज टू बी जीरो। समझ रहे हैं क्या? ध्यान से,
वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है मतलब फोर्स जीरो आ रहा है। तब सोच रहे यार फोर्स तो जीरो नहीं है। याद करो फर्स्ट लॉ में हमने बहुत क्लियरली लिखा है वो फोर्स है अनबैलेंस्ड, सो ये फोर्स हैज टू बी जीरो नहीं, जस्ट फोर्स हैज टू बी जीरो नहीं, अनबैलेंस्ड फोर्स हैज टू बी जीरो, अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होना चाहिए। अनबैलेंस्ड फोर्स हैज टू बी जीरो मतलब फोर्सेस शुड बी बैलेंस्ड। समझ में आ रही है कहानी? अब बताओ ये 200 तो ये कितना होना चाहिए, फ्रिक्शन आना चाहिए 200। समझ में आ रही है कहानी? फिर से एक बार चेक करते हैं। सी वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो मतलब फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो नहीं है अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो है। लॉ चेक करो तो फोर्सेस शुड बी बैलेंस्ड मतलब अनबैलेंस नहीं होना चाहिए मतलब बैलेंस होना चाहिए, तो बैलेंस होने के लिए यहां 200 होना चाहिए। क्लियर है? एकदम क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखें क्या। ओके तो क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो हम लोग एक काम करते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड लॉ पर सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे जो करीब 7-8 क्वेश्चंस होंगे। ओके तो नेक्स्ट वीडियो में आने से पहले पिछले चैप्टर की कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो देख लो, और इस चैप्टर में भी जो पहले वाले वीडियोस हैं उनको आप देख लो। क्लियर है? पहले वाले 3 वीडियोस हो चुके हैं, राइट? अब इसके आगे जो 4th वीडियो आएगा उसमें सिर्फ प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो जरूर शेयर करो, लाइक करो, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।